गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा करने का कारण इतना ही है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ साथ विकसित के साथ साथ राष्ट्रीय दृष्टिकोण को भी साथ लेकर चलने का काम किया। यानी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मूल्य दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, और उस समन्वय के आधार पर हम वर्तमान भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं का भली भांति अध्ययन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा ने समाजवाद को स्थापित किया। तो अर्थ में हमने जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है, संपत्ति को लेकर जिस तरह का उन्होंने निर्धारण या निर्देशन दिया भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को, उस व्यवस्था का योगदान कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा के कारण ही संभव हो पाया है। कहने का सीधा और स्पष्ट मतलब यही है कि उन्होंने भारत के सर्वोच्च पद पर रहते हुए जिस तरह से भारतीय राजनीति को या भारत की विदेश नीति को या भारत की तात्कालिक जो राजनीतिक आवश्यकताएं थी, उन राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो विचार दिए, वो विचार आज भी प्रासंगिक हैं और तात्कालिक समय में भी वो विचार बड़े प्रासंगिक थे। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो धर्म को लेकर जो उनकी मानसिकता है या धर्म निरपेक्षता को लेकर जो उनके विचार हैं, उन विचारों की चर्चा करने वाले। ठीक है, देखो हमने पहला विचार हम पढ़ चुके हैं, मानववाद या मानवतावाद। दूसरा पढ़ रहे हैं उनके बारे में। यहाँ पर कंबाइंड लेने का मतलब इतना ही है कि वो किसी प्रकार के किसी सामाजिक सुधार से जुड़े हुए नहीं हैं, किसी आर्थिक सुधार को लेकर उन्होंने कोई प्रक्रिया नहीं दी है, प्रतिक्रिया नहीं दी है। मूलतः उनको इनके बाद दो जो तत्व हैं, अंतर्राष्ट्रीयवाद या राष्ट्रवाद, ठीक है, उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो है प्रजातांत्रिक समाजवाद। ठीक है, ये चार टॉपिक ऐसे हैं या चार जो ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर गांधी जी, नेहरू जी का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, जिसमें से एक पढ़ चुके हैं, दूसरा हम पढ़ रहे हैं। देखें तो मैं इस बात की शुरुआत, नेहरू जी का एक सेंटेंस है और वो सेंटेंस आपको बता देगा कि नेहरू जी किस प्रकार की धार्मिक अप्रोच रखते हैं या धर्म के बारे में लेकर उनके क्या विचार है। उन्होंने कहा, मैं भारत में तथा अन्यत्र कहीं भी धर्म या उसके कम से कम उसके संगठित रूप का विरोध करता हूँ। ठीक है, मैं उसकी स्वीकार नहीं करता हूँ या मानता नहीं हूँ, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ, मैं उसके नष्ट हो जाने की कामना करता हूँ, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं अंधविश्वास, मतांधता, प्रतिक्रिया, शोषण और विशेष अधिकारों को जन्म दिया है। यानी नेहरू जी धर्म की जिस व्याख्या को देखते हैं या उन्होंने जिस रूप को देखा है धर्म के, उसके आधार पर वो ये कहते हैं कि ये जो धर्म है, ये पहली बात तो अवैज्ञानिक मानते हैं। देखिए, हम देखेंगे उनके धर्म के बारे में दो पक्ष लेकर चल रहे हैं, पक्ष और विपक्ष, उन्होंने इसी रूप में लिया है। तो जो पक्ष और विपक्ष है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं पहली कि नेहरू जी देखो न तो नास्तिक है, ठीक है, न आप उन्हें धर्म विरोधी कह सकते हैं, वो विरोध भी नहीं करते हैं, ठीक है, और न धार्मिक है, न धार्मिक है, न अधार्मिक है और न धर्म विरोधी हैं। अधार्मिक का मतलब नास्तिक है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति धार्मिक हो, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति धर्म का विरोधी हो, या जो व्यक्ति नास्तिक है वो धर्म का विरोधी होगा, ठीक है। यानी जिस तरह से हमारा भारतीय संविधान है एज इट इज, वैसा ही सिस्टम है। भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, लेकिन भारत सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से या समान संरक्षण प्रदान करता है, कोई विशेष धर्म को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। तो ऐसे ही मिस्टर नेहरू भी न तो धर्म विरोधी हैं, न नास्तिक हैं और न धार्मिक हैं, न धर्म को मानने वाले हैं। कहने का मतलब, उन्होंने सेंटेंस जो कहा, उन्होंने कहा भारत व अन्यत्र कहीं भी धर्म या कम से कम संगठित धर्म, संगठित आप समझ ही गए होंगे,
प्रक्रियाएं निश्चित, संपत्ति निश्चित, संगठित धर्म का मैं विरोध करता हूं। ठीक है, भर्त्सना करता हूं यानी आलोचना करता हूं। उसके नष्ट हो जाने की कामना करता हूं। नष्ट होने की कामना करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि इसने, किसने? धर्म ने। अब हम कहते हैं इसने भारत में या कहीं भी भारतीयों में देखो, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे यार, दुनिया में अंधविश्वास, मतांधता, अंधविश्वास, प्रतिक्रिया, मतांधता, शोषण और विशेषाधिकार को बढ़ावा दिया है। ठीक है, इस ये किसने कहा है? गांधी जी, नेहरू जी ने। तो नेहरू जी की आप विचारधारा देख सकते हैं कि उनका जो मूलतः विरोध है वो इन चीजों से है, और वो इन चीजों को किससे जुड़ा हुआ पाते हैं? धर्म से जुड़ा हुआ पाते हैं। ठीक है, इसलिए वो क्या कहते हैं, किससे जुड़ा पा रहे हैं? ये धर्म से, और खासकर किस धर्म की बात कर रहे हैं? ये संगठित धर्म की। इस कारण ये धर्म का विरोध तो नहीं करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो ये विरोध करते हैं संगठित धर्म का। वो भी कारण क्यों? क्योंकि संगठित धर्म ने क्या कर दिया? अंधविश्वास, प्रतिक्रिया, मतांधता, शोषण और विशेषाधिकारों को जन्म दिया है, इसलिए वो इस बात का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या लगता है? उन्होंने एक तो कहा कि धर्म एक निजी विषय है, आस्था है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। हम भी जानते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा अपना तरीका हो सकता है, हमारी अपनी अपेक्षाएं हो सकती हैं, हमारा अपना प्रारूप हो सकता है, कम्युनिकेशन करने का, कनेक्ट करने का ईश्वर से या उस सत्ता से हमारा अपना एक प्रोसीजर हो सकता है। उसको किसी और के द्वारा, यानी धर्म एक निजी विश्वास है, आस्था है, इसे संगठित या संस्थागत रूप नहीं दिया जाना चाहिए। संगठित तथा संस्थागत रूप का क्या करता है? विरोध करते हैं। यानी किसी अन्य के द्वारा ये निर्धारित नहीं किया जाना चाहिए कि मैं किस प्रकार से उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ, या उस ईश्वर को प्राप्त करने का तरीका एकमात्र वही है जो इन संस्थाओं के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हेलो, आप इसको देखें कि एक संगठन के रूप में धर्म को स्थापित करने का विरोध किया जा रहा है, किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। आगे चलते हैं,
आगे चलें। तो ये इसके पक्ष और विपक्ष की बात नहीं, तो इसके पक्ष में क्या गया देखें आप, तो इस सेंटेंस को ध्यान रखें आप, इसके साथ तैयार करें अपने आप को, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ जो पहला रूप जा रहा है वो जाता है इसका निजी, यानी वो बात करते हैं निजी आस्था के रूप में धर्म को स्वीकार करते हैं मिस्टर नेहरू। विपक्ष में क्या जा रहा है इसका संगठित स्वरूप, जो निर्धारित किया जाता है पंडितों के द्वारा, किसी धार्मिक संस्था के द्वारा, धार्मिक संगठन के द्वारा, उस संगठित रूप का इनके द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, प्रतिक्रियाएं अर्जित करते हैं और उन प्रतिक्रियाओं के माध्यम से। हेलो, ठीक है, कारण मैंने अभी बताया आपको, अंधविश्वास को, प्रतिक्रिया को, शोषण और विशेषाधिकार, मतांधता, इनको जन्म दिया है। ठीक है, दूसरी बात देखें पक्ष में जो है वो बात ये कह रहे हैं कि वो सत्य की निष्ठा के रूप स्वीकार करते हैं, किसको, धर्म को, जो कि अपना सर्वस्व बलिदान कर दे। देखो उनका सेंटेंस है तो उनके हिसाब से चलेंगे, तो हम बात करें कि इनके पक्ष और विपक्ष में क्या चीजें हैं। तो उन्होंने कहा कि पूर्ण निष्ठा के साथ सत्य की खोज करना और सत्य के उस खोज के लिए सर्वस्व बलिदान कर देना, ये मेरे लिए धर्म है। ठीक है, देखो आप इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा कि सत्य की खोज करना, निष्ठा, निष्ठा के साथ और इस खोज में अपना सर्वस्व निछावर कर देना, बलिदान कर देना, त्याग कर देना, ये ऐसी बात जब ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये धर्म के इस पॉजिटिव रूप की बात कर रहे हैं, यानी ये सत्य के साथ किसको जोड़ रहे हैं, धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये बात पक्ष में जाती है कि हाँ ये भी किसके पक्ष में है, धर्म के पक्ष में, धर्म के विरोधी नहीं है, कहने का मतलब किसके पक्ष में, ये धर्म को मान्यता देते हैं निजी आस्था के तौर पर, एक ऐसी निष्ठा के तौर पर जो अपना सर्वस्व बलिदान करने की कैपेसिटी उत्पन्न करती है, उस कैपेसिटी का ध्यान रखते हैं। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति जो इस बात में विश्वास रखते हैं उनके धर्म का मैं भी सम्मान करूंगा, जैसे कि मिस्टर गांधी। तो गांधी और नेहरू इस बात पर क्या है, समान धर्म के रूप को लेकर। लेकिन और ये क्या कह रहे हैं कि धर्म ने, मेरे अनुसार धर्म ने मानव विकास के लिए काम किया, धर्म ने मापदंड निर्धारित किए, अब वो राजनीतिक आधार पर हो, व्यक्तिगत व्यवहार को लेकर हो, सामाजिक व्यवहार को लेकर हो, ये सभी कार्य अगर धर्म के आधार पर निर्धारित हुए हैं और समाज में उनका एक स्वीकार्यता मिली है, तो कहीं ना कहीं मैं इस धर्म का इस रूप में मानने का विचार रखता हूँ या इस धारणा का प्रचार प्रसार करता हूँ। यानी वो धर्म को एकदम वैज्ञानिक पक्ष तो नहीं दे रहे हैं या पूरी तरह से वैज्ञानिक पक्ष तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो उसके जो मूल्य निर्धारित जो विशेषताएँ हैं, मापदंड निर्धारित करने की जो कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के आधार पर धर्म का समर्थन कर रहे हैं। देखें आप, विकास के लिए कार्य किया है, मापदंड निर्धारित किए हैं, मूल्यों का निर्धारण किया है, मूल्य
मूल्य निर्धारित किए गए हैं धर्म के द्वारा, उनका समर्थन करता हूँ या उस रूप का समर्थन करता हूँ। मानव जो विकास है, उस विकास का मानव ने पथ निर्धारण किया है। ये सारी चीजें क्या हैं? मानव जीवन के मार्गदर्शन के लिए काम करते हैं। मार्गदर्शन के सिद्धांत का समर्थन करता हूं। ये सब नेहरू जी कह रहे हैं किसके बारे में? धर्म के बारे में। एक उन्होंने कहा कि वो जो अज्ञात है जिसको हम ईश्वर कह सकते हैं, ये ईश्वर नहीं कह रहे, लेकिन इसको अज्ञात के रहस्य को जानने में भी सहयोग दे रहा है कौन? धर्म। इंगित कर रहा है, स्पष्ट कर रहा है कि आपके चारों ओर एक ऐसी अज्ञात शक्ति है या अज्ञात रहस्य है जो कि आपको हमेशा हर समय घेरे रहता है। ऐसी एक धारणा का विकास किया गया है धर्म के द्वारा। तो मैं इस बात का यहाँ तक तो ये पक्ष में दे रहे हैं कि हाँ, मैं इस रूप को या यहाँ इस पोजीशन तक धर्म को स्वीकार करता हूँ या धर्म में आस्था रखता हूँ, या जो मेरा धर्म है या मेरे धर्म आधारित जो विचार हैं उन विचारों को मैं इस तरह से स्थापित करने का प्रयास करता हूँ। विपक्ष में क्या चीज़ आती है कि देखो, जो अज्ञात को इंगित करता है उस अज्ञात रहस्य को खोजने का, अज्ञात रहस्य को खोजने के लिए, खोजने का कार्य क्या नहीं किया गया? धर्म के द्वारा नहीं किया जाता। यानी उस रहस्य को रहस्य ही बनाए रखा जाता है। तो मैं ऐसे रहस्य या ऐसे रहस्य का निर्माण करने वाला जो धर्म है उसका समर्थन नहीं करता हूं। यानी वो यहां पर धर्म के ईश्वर की बात तो करता है। देखो, अगर हम उसको ईश्वर कहते हैं, ईश्वर नहीं कहते, इसलिए मैंने इसको अज्ञात लिखा है। यानी ये कहते हैं कि आपके आसपास ऐसी कोई शक्ति है जो इस संपूर्ण विश्व को संचालित तो कर रही है, ये तो धर्म बता रहा है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो धर्म क्या कर रहा है? उसको उजागर नहीं करना चाहता, या उस स्वरूप को बनाए रखना चाहता है, या उस स्वरूप का दूसरा रूप वर्णन कर रहा है। एग्जैक्ट वो स्वरूप वर्णित नहीं किया जा रहा जैसा कि वर्णित किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। वो कह रहे हैं कि आप उस जिज्ञासा को, यानी यहाँ पर क्या संबंध है, उस जिज्ञासा को क्या किया जा रहा है? रोका जा रहा है, उस जिज्ञासा को समर्थन नहीं दिया जा रहा। यानी व्यक्ति की जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है, उस जिज्ञासा या जो नए विचार आ रहे हैं उन विचारों को संश्रय नहीं दिया जा रहा, आश्रय नहीं दिया जा रहा, उनको बढ़ावा नहीं दिया जा रहा। यानी मानव को, जो मानव की मूल विशेषता है जिज्ञासु प्रवृत्ति, उसको बढ़ाया नहीं जा रहा। आपने देखा होगा कि रामकृष्ण परमहंस के पास जब विवेकानंद गए तो उन्होंने वही प्रश्न किए जो सबसे किए उन्होंने, तो कई लोगों ने तो उसको गोलमोल जवाब दे दिए, कई लोगों ने उसको जवाब देने से मना कर दिया, या कोई इसको स्पष्ट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने उसके प्रश्न का जवाब, विवेकानंद के प्रश्न का जवाब इस तरह से दिया कि वो पूरी तरह से संतुष्ट हुए। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन करा दिए, या राम जी के, जो उनको राम भगवान कृष्ण या किसी अन्य अवतार का उन्होंने दर्शन कराया, या किसी अन्य अन्य रूप से, वो उन्हें वो एक अनुभूति करवाई, विशेष अनुभूति, जिससे वो जो उनकी जिज्ञासा थी वो संतुष्ट हो गए। वो जिज्ञासा, उस गुरु ने वो जिज्ञासा शांत नहीं की। लेकिन सभी गुरु ऐसा नहीं कर पा रहे, सभी धर्म ऐसा नहीं कर पा रहे, या वो जो संगठित धर्म है, धर्म का जो संगठित स्वरूप है, वो इस जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो इस बात धर्म का विरोध करें। मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, जेएन नेहरू, तो मैं उस धर्म का विरोध करता हूँ या स्वरूप का विरोध करता हूँ जहाँ जिज्ञासा या नए नए विचारों को कोई स्थान नहीं दिया जाता। दूसरा वो तर्क दे रहे हैं, मतलब विपक्ष में वो कह रहे हैं कि इस जिज्ञासा के बजाय वो प्रकृति की सर्वोच्चता, मानव से ज्यादा किसको श्रेष्ठ माने? प्रकृति को। मानव का इस स्वरूप के आगे, या इनके द्वारा जो निर्धारित जो नियम किए गए हैं, उन मानव के द्वारा जो निर्मित स्वरूप है, नियम है, उनके आगे नतमस्तक होने का विरोध करते हैं। वो
उनका जो धर्म है यानी उन्होंने धर्म को वैज्ञानिक आधारों पर तोलते हुए ऐसा माना कि व्यक्ति जो है वो सक्षम है अपने आप में, उसको किसी भी ऐसी बात को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा कि संगठित रूप ने कई ऐसे लोगों को आराम पहुंचाया है, आनंद पहुंचाया है जो किसी कार्य को नहीं करते हैं या उनका किसी प्रकार से प्रत्यक्ष योगदान नहीं है। ऐसे लोगों को आनंद पहुंचाने का काम किया है इस धर्म के संगठित रूप ने और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। यानी नेहरू जी का जो धर्म होगा वहाँ जिज्ञासा को स्थान दिया जाएगा, नए नए विचारों को स्थान दिया जाएगा, प्रकृति के बजाय मानव को श्रेष्ठ माना गया है या माना जाता है, ये ध्यान रखें आप। यानी जो अवैज्ञानिकता है धर्म की, अवैज्ञानिकता, प्रतिक्रियावादिता, और अंधविश्वास को प्रोत्साहित करने वाली जो विचारधारा है उसका विरोध करते हैं। अब वो चाहे धर्म के अंतर्गत हो, चाहे किसी सामाजिक प्रणाली के अंतर्गत हो या किसी राजनीतिक प्रणाली के अंदर हो, किसी भी इस प्रकार की विचारधारा का समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, नेहरू जी वो समर्थन करते हैं किसको? परिवर्तनवादिता। परिवर्तन का समर्थन करना ही धर्म का समर्थन करना है। उनके अनुसार वो धर्म जो परिवर्तन को स्वीकार करे, समय के अनुसार अपने में परिवर्तन करे, ऐसी चीजों का मिस्टर गांधी क्या करते, नेहरू क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। और ये ही उनका धर्म है। जब आप इनको एक साथ लिखकर लिख देंगे इन विचारों को, तो ये उनके विचार हो जाएंगे धर्म के प्रति, ये उनके धार्मिक विचार। अब धार्मिक तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि वो ईश्वर को मानते नहीं है, वो इस लोक को ही देखते हैं, वो नहीं मानते परलोक भी कोई चीज़ है। उनका मानना है कि ये जो ये लोक है ये ही है, इसको किस तरह से अच्छा किया जा सकता है, इसमें किस तरह से एक व्यवस्थित कार्यक्रम स्थापित किया जा सकता है, नए परिवर्तनों को किस तरह से आदर दिया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, और पुरानी परंपराओं को जो कि समाज विरोधी हैं या रूढ़िवादिता से प्रभावित हैं उनको किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है। लास्ट में उन्होंने एक बात कही बस धर्म के प्रति, वो ये कह रहे हैं कि भाग्यवादिता को छोड़कर भाग्यवादिता को त्याग कर क्या किया जाए? आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता के मध्य, यानी वो जो विपक्ष में जो चीजें हैं उन सबको मिलाकर जो धर्म तैयार होगा वो आध्यात्मिकता से जुड़ा होगा। गांधी जी की आध्यात्मिकता, गोखले की आध्यात्मिकता, सब आध्यात्मिकता की बात करें धर्म से ऊपर उठकर, तो सबके समय के अनुसार अपने अपने विचार हैं। आध्यात्मिकता होनी चाहिए, व्यक्ति को आध्यात्मिक होना चाहिए, और वैज्ञानिकता जो है उसके मध्य समन्वय ही क्या है? वास्तव में धर्म है। नेहरू जी के अनुसार, ठीक है।
तो ये उनका धर्म है, यानी वो पूरी तरह से वैज्ञानिकता से जोड़कर देखते हैं धर्म को, किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का समर्थन नहीं करते हैं, खासकर धार्मिक अंधविश्वास का उनके द्वारा समर्थन नहीं किया जाता है। अब आगे चलें, अब धर्मनिरपेक्षता आप सभी जानते हैं। धर्मनिरपेक्षता मतलब राज्य का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होगा। तो उन्होंने कहा राज्य को विचार जो है सामाजिक हित, समाज सुधार, व्यक्तिगत क्षमताओं में वृद्धि, शिष्टाचार, स्वास्थ्य व स्वच्छता, इन विषयों को छोड़कर अन्य किसी मामले में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्या क्या बताया? सामाजिक हित, सामाजिक सुधार, शिष्टाचार, स्वास्थ्य एवं सार्वजनिक व्यवस्थाएं जो हैं या स्वच्छता, इन विषयों को छोड़कर जैसे विषयों के अलावा राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका मतलब धार्मिक मामलों में क्या कह रहे हैं? नहीं करना चाहिए, यानी राज्य धार्मिक मामलों से दूर रहे, और ये दूरी ही क्या कहलाएगी? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, अब ये विषय आपको पता ही है, सबके लिए है, कॉमनली किसी धर्म पर आधारित नहीं है, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा विचार उन्होंने दिया राज्य को धर्म के आधार पर नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह आप सबको पता है, मेरे कहने का मतलब है कि जो हमको आज उपलब्ध है वो सारी चीजें यही है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आज भी हमारे सिस्टम में यही है, व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को, नागरिक भी कहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति को दूसरे धर्मों के प्रति सौहार्द और सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए, सौहार्द और सहिष्णुता का व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये किससे जुड़ी हुई चीज है? धर्म निरपेक्षता से। अगर आप अपने धर्म के, वो ये भी मानते हैं कि आप अपने धर्म के प्रति अगर सच्ची रूप से वफादार हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो आप दूसरों के धर्म के प्रति भी उतने ही वफादार या उतने ही सहिष्णु होंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप धर्म को, खुद के को भी पालन नहीं कर रहे हैं ठीक प्रकार से। व्यक्ति को, यानी धार्मिक व्यक्ति को, जो नहीं मानते उनको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कट्टरता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, कट्टरता का समर्थन या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है, धर्म कभी भी कट्टरता को समर्थन नहीं देता है, और खासकर अगर भारतीय परिस्थितियों की बात करेंगे तो भारतीय परिस्थितियां तो हमेशा परिवर्तन को और दूसरों की जो अच्छी जो प्रासंगिक चीज़ें हैं उनको स्वीकार करने का समर्थन करते हैं, आज से ही नहीं, पीढ़ियों से, पहले से, बहुत समय पहले से,
और आने वाले समय में हम अडॉप्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा कट्टर हैं। भारतीय संस्कृति की विशेषता मेन तो यही है। और इस कट्टरता का समर्थन नहीं करने का मतलब क्या होता है कि आप पुरानी जो रूढ़ियाँ हैं हम यहाँ कट्टर हो जाते हैं, जरूरी नहीं धर्म के प्रति हो। कई बार हम परिवर्तन के प्रति कट्टर हो जाते हैं कि हम किसी तरह का परिवर्तन स्वीकार नहीं करेंगे। आज भी आप देखते होंगे कि कई लोग अपनी वेशभूषा के प्रति कट्टर होते हैं, वो नहीं छोड़ते हैं। कई लोग अपने व्यवहार के प्रति इतनी कट्टर होते हैं कि अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं। कई लोग अपनी विचारधारा, अपने एटीट्यूड के प्रति, अपने संस्थान के प्रति, अपनी ज़मीन के प्रति, किसी भी चीज़ के प्रति क्या होते हैं, इतने कट्टर होते हैं कि उनमें किसी तरह का कोई पॉजिटिव परिवर्तन भी वो नहीं लाना चाहते, तो इसका विरोध करते हैं। पुरानी रूढ़ियां और अंधविश्वास यदि समानता, न्याय, भाईचारे और मानव गरिमा के अगेंस्ट हो तो उनका त्याग कर देना चाहिए। तो उनका क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अब आप खुद देख सकते हैं कि कई लोग यहां कट्टर हो जाते हैं और वो उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। ब्राह्मणों ने चोटी रखना छोड़ दी, लगभग पहले सभी रखते थे। कान छिंदवाने बंद कर दिए, ठीक है, पहले सभी छिंदवाते थे, ऐसा नहीं था, कान में छिद्र करवाते थे, छोड़ दिया समय के अनुकूल में। सती प्रथा बंद हो गई, और भी कई चीज़ें ऐसी थी जो उस मानव गरिमा के अनुकूल नहीं थी या न्याय के अनुकूल नहीं थी, तो उनका परित्याग कर दिया गया। और संविधान के द्वारा ये हमको उपलब्ध की गई है, या संविधान के द्वारा ये व्यवस्था स्थापित की गई है, तो संविधान के निर्माण में या संविधान को स्थापित करने में नेहरू जी का भी योगदान था। तो उनके ये विचार जो थे वो कहीं ना कहीं कई रूपों में हमारे सामने आते हैं। तो यहाँ हम अपनी कट्टरता को छोड़ सकते हैं। ये जो कट्टरता है, आप समय के अनुसार अपने विचारों में परिवर्तन लाइए जो सभी मानवों को या आपके साथ अन्य लोगों के भी अधिकारों की बात करता हो, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा देने का समर्थन किया, और उसे ही उन्होंने धर्मनिरपेक्षता से जोड़ दिया है। ठीक है, देखें आप और आगे जो विशेषताएं हैं उनकी। देखो दिक्कतें ये हैं कि आप इस पर बहुत अच्छा भी लिख सकते हैं, अच्छी बात है, बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें नेहरू जी के विचारों का समावेश होना आवश्यक है। सामाजिक जीवन में सांप्रदायिक सद्भाव को बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। सामाजिक सद्भाव किसका दूसरा रूप है, धर्मनिरपेक्षता का ही, ठीक है। इससे क्या होगा, विभिन्न धर्मों के बीच में सहयोग बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, ठीक है। उसका क्या परिणाम होगा कि ये जो विभिन्न धर्मों के अनुयायी हैं, ये सांप्रदायिक सद्भाव के आधार पर हमारे राष्ट्र को भी एकता के सूत्र में बांधेंगे। यानी इनडायरेक्टली ये जो धर्मनिरपेक्षता है वो राष्ट्र की एकता के लिए आवश्यक मानते हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे देश का, आपको पहले मैंने कई बार पहले भी डिस्कस किया होगा कि हमारे देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, दो धर्मों में किसी प्रकार के मतभेद उत्पन्न हुए और उसका परिणाम हुआ कि देश का क्या हो गया, विभाजन हो गया, बंटवारा हो गया,
और आज भी ऐसा नहीं है कि आज हम किसी प्रकार की विभाजन के बारे में बात नहीं कर पा रहे। आज भी राष्ट्र के अंदर ही अंतर कितना है, वो राष्ट्र के अंदर विभाजन होने की बात, राष्ट्र अलग नहीं, कोई बोडोलैंड चाहता है, कोई वनांचल चाहता है, कोई महाराष्ट्र राज्य का डिवाइडेशन चाहते हैं, कोई राजस्थान का डिवाइडेशन चाहते हैं, मतलब वहाँ के स्थानीय बंध। कारण क्या है कि वहाँ पर भौगोलिक आधार है, लेकिन इन्होंने कहा कि विभिन्न धर्मों के मध्य अगर एकता स्थापित होगी तो भारत का जो और डिवाइडेशन हो सकता है वो डिवाइडेशन नहीं होगा, जिस तरह की आज़ादी के समय भारत का डिवाइडेशन हुआ था। एक और बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये धर्म निरपेक्षता है, वह जीवन के सभी क्षेत्रों में शामिल की जानी चाहिए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी हमारे यहाँ विवाह होता है तो हिंदू विवाह पद्धति है, मुस्लिम विवाह पद्धति है, अब ये हिंदू और मुस्लिम क्या है, ये धार्मिक आधार है। जब भी उत्तराधिकार का डिसीजन लिया जाएगा तो इन धार्मिक पद्धतियों या धार्मिक आधारों पर लिया जाएगा, ठीक है। तलाक या विवाह विच्छेद, डाइवोर्स इसको कहते हैं, ये कहीं ना कहीं ये आधार किससे लिए जाते हैं, हमारे जो कानून बने हुए हैं हिंदू विवाह पद्धति और मुस्लिम विवाह पद्धति, ये वहीं से आते हैं। इसके अलावा जो दीवानीवाद हैं या फौजदारी, सिविल और क्रिमिनल जो वाद हैं, उन वादों में भी कहीं ना कहीं धार्मिक विषय या धार्मिक आधारों पर निर्णय किए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये धर्म हमारा यहां तक तो है, तो फिर जब हम पूर्ण रूप से क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्या भारत, नहीं है बिल्कुल। बहुत सी जगह आज भी धर्म हमारे यहाँ शामिल है, कई मुद्दों पर धार्मिक विवाद आज भी होते हैं। तो हम उसी की बात करें, नेहरू जी का जो धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो मामला है, उस मामले की सबसे बड़ी बात ये भी है कि आप इस धर्मनिरपेक्षता को शाब्दिक अर्थ पर न रखते हुए उसको जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित कीजिए, जहाँ पर परिवर्तन की गुंजाइश है या जहाँ परिवर्तन किया जाना है, जहाँ अंधविश्वास शामिल हैं, जहाँ अवैज्ञानिकता शामिल है, तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए वहाँ पर आप इस धर्मनिरपेक्षता को पूरी तरह से शामिल करें। आज नया घर लेते हैं पूजा करते हैं, दुकान लेते हैं पूजा पाठ करते हैं, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, ठीक है। तो फिर धर्मनिरपेक्षता आई कहाँ है, वो ये चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पूरी तरह से, आध्यात्मिक की तब बात की हमने, आध्यात्मिकता को शामिल करना चाहते हैं, जो सिर्फ दिखावटी पूजा पाठ है या आडंबर है, ढोंग है, उसका विरोध करने का समर्थन करते हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलें। यानी नेहरू जी की जो धर्म के प्रति जो नीति है, जो धर्म है, वो कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों, मानव मूल्यों, वैज्ञानिकता को, परिवर्तनशीलता को शामिल करता है, स्वीकार करता है, और सांप्रदायिक जो सांप्रदायिकता है उस सांप्रदायिकता को दूर करना चाहता है, सांप्रदायिक सद्भाव को शामिल करके भारत के उत्थान में यानी राष्ट्र के उत्थान में योगदान देने का समर्थन करते हैं मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। आगे देखें, एक और बिंदु था सांप्रदायिकता को लेकर उनके क्या विचार हैं। क्योंकि ये भारत की, उस तात्कालिक भारत की बड़ी बड़ी समस्याओं में से एक समस्या थी। सांप्रदायिकता के संदर्भ में कम्युनलिज्म,
सांप्रदायिकता को समर्थन नहीं करते थे, वो घृणा करते थे, हर कोई घृणा ही करेगा। अब इसका कारण किसको मानते थे? एक तो भारतीयों की अज्ञानता को, जिन्होंने धर्म को सही आधार पर समझा ही नहीं, और एक विदेशी शासन। नेहरू ये कहते थे कि ये जो विदेशी शासन है, इस विदेशी शासन में और धार्मिक जो नेता हैं, कैसे कट्टर, जो कट्टर धार्मिक नेता हैं, इन नेताओं में एक संधि हो रखी है, और इस संधि के कारण ही जब जब भारत के विकास की बात आती है या भारतीय लोगों के विकास की बात आती है, तब तब ये विदेशी शासन और ये कट्टर धार्मिक नेता मिलकर इस प्रकार के प्रयास को विफल कर देते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये इस प्रकार से हस्तक्षेप करते हैं कि भारतीय जो यूनाइटेड होना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, संयुक्त होना चाह रहे हैं, वो इन दोनों के प्रयासों से धार्मिक कट्टरता को लेकर या सांप्रदायिकता को लेकर वापस क्या हो जाते हैं? भिन्न भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस अज्ञानता का कारण मानते हैं, और इसके आधार पर वो कहते हैं कि जो कट्टरता है ये कहीं से भी रास किसी भी धर्म या संप्रदाय के लिए आवश्यक नहीं है, मतलब उपयोगी नहीं है। ये सांप्रदायिकता को क्या मानते हैं? कि ये राष्ट्रीय एकता में बाधक है, राष्ट्रीय एकता में बाधक है। राष्ट्रीय विकास में, देश के विकास में भी बाधक है। इसलिए उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज हैं, इनके जो प्रयास थे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध करते थे। मतलब नेहरू जी की सांप्रदायिकता के संदर्भ में बात करेंगे तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के विरोधी थे। जिन्ना का, जो द्विराष्ट्र का समर्थन करते थे, जिन्ना जिस द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते थे, उस सिद्धांत का भी नेहरू जी के द्वारा विरोध किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोधी थे, सांप्रदायिकता के विरोधी थे, क्योंकि राष्ट्र की एकता में इस प्रकार से ही क्या डाल रहे थे? बाधा डाल रहे थे, संकट खड़े कर रहे थे। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को विशेष कानून बनाकर सुरक्षा देने का, बनाने के भी ये विरोधी थे। आप समझ गए होंगे मेरी बात कि भारत में ये जो बात चल रही है, क्योंकि इसका नतीजा क्या हुआ कि वो जो बात पहले नहीं होती थी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की, वो बात अब यहां से होने लगती है कि ये जो अल्पसंख्यक है इनको विशेष आवश्यकता है, जबकि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी। भारतीय संस्कृति में इस प्रकार का कोई विरोध नहीं होता था। अगर ये अल्पसंख्यक थे, जो भी अल्पसंख्यक थे, अगर वो वाकई में अल्पसंख्यक होते तो वो भारत पर वो शासक वर्ग में शामिल नहीं होते। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के बारे में विचारधारा डेवलप कर इन विदेशी शासकों ने भारतीय समाज को या भारत की जो एकता थी उस एकता को विखंडित करने का प्रयास किया। इसीलिए उन्होंने सांप्रदायिकता का विरोध कर धर्मनिरपेक्षता का समर्थन कर रहे हैं मिस्टर नेहरू। इसलिए उन्होंने ऐसा राष्ट्र चाहा जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों के हितों की क्या की जा सके? सुरक्षा की जा सके, और उनके माध्यम से राष्ट्र का विकास किया जा सके। वो राष्ट्र को और धर्म को, दोनों को अलग अलग रखते हैं, एक साथ नहीं रखना चाहते। यानी वाकई में धर्मनिरपेक्षता का समर्थन है। राष्ट्र और धर्म जैसा कि राजनीति में कर देते हैं, राजनीति और धर्म, वैसा नहीं करना चाहते। वो खुद हिंदू होते हुए भी, अब देखो बातें बहुत सारी हैं उनके बारे में, लेकिन आपके समझ में आ जानी चाहिए कि नेहरू जी का सांप्रदायवाद किस तरह का है। वो सबसे पहले किसको रख रहे हैं? राष्ट्र को रख रहे हैं।
राष्ट्र को रखने का कारण है कि राष्ट्र किसी भी आधार पर कम नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को मिलाने की समर्थन नहीं करते हैं। जैसे गांधी जी ने राजनीति और धर्म को मिलाया, उस तरह वो नहीं मिलाते, ठीक है। तो इनके अनुसार राष्ट्र और धर्म दोनों अलग अलग हैं। ये हिंदू राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी, हिंदू राष्ट्रवाद, उस हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा का क्या नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। ठीक है, द्विराष्ट्रवाद के विरोधी भी हैं, तो हिंदू राष्ट्रवाद के भी ये विरोधी थे। तो ये जो विचार थे उस समय, ये विचार अपने आप में थोड़े से यूनिक थे, क्योंकि भारत का डिवाइडेशन हो रहा, मानसिकताएं लोगों की ऐसी बन रही हैं कि उन्होंने राष्ट्रवाद को धर्म से जोड़ने का काम किया और भारतीय संस्कृति को अल्प, भारतीय लोगों को अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों में बांटने का काम किया। उनका मानना था कि भारतीय जो संस्कृति है, उस भारतीय संस्कृति में धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के अलावा भी कई ऐसे तत्व थे जो भारतीय संस्कृति को जोड़ने का काम करते थे, जैसे सामंजस्य की जो क्षमता है या समन्वय की जो क्षमता है, गौरवपूर्ण जो संस्कृति है हमारी, विविधता में एकता का जो विचार है, और संपूर्ण विश्व को एक मानने की जो कैपेसिटी है, वो धर्म या हम कहते धार्मिकता, और कर्मवाद या कर्मठता, दो ये ऐसे तत्व हैं, यानी ये दोनों अपने आप में अलग अलग है। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप निष्कृष्ट हो जाएं, किसी अन्य की हत्या कर दें, या किसी अन्य की संपत्ति को अपने पास रख लें, या किसी भी अन्य प्रकार की असामाजिक तत्वों का समर्थन कोई भी धर्म नहीं करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें इनके आधार पर होने वाले विवादों को, भेदभावों को समाप्त कर राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने का काम करते हैं। ये तत्वों पर होने वाले विवाद पर ये जो क्षमता है भारतीय संस्कृति की, वो हमेशा जीतती है नेहरू जी के अनुसार। इसलिए वो, उनका धर्म ये कहता है कि वैज्ञानिक हो, आध्यात्मिक हो, लेकिन आडंबरों से दूर हो, अज्ञात रहस्यों को दूर करने वाला हो, जिज्ञासा का समाधान करने वाला हो, एक धर्म के द्वारा दूसरे धर्म का समर्थन किया जाए, उसका सम्मान किया जाए, और सांप्रदायिकता को किसी प्रकार से बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सांप्रदायिकता को मिस्टर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय एकता में या बाधक मानते थे, या राष्ट्र के विखंडन का मूल कारण मानते थे, इसलिए वो सांप्रदायिकता का हमेशा विरोध करते थे। तो एकता के सूत्र में हम बात करें, एकता के सूत्र में बांधने का आधार मानते थे। ठीक है, तो आपका ये मैंने आपको क्लियर किए नेहरू जी के अनुसार धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है। ठीक है, इसको समझें, इसको और एक्सप्लेन हो जाएगा प्रश्न लगभग इस पर, अगर आएगा अलग तो 150 शब्दों 200 शब्दों तक के बीच में आएगा, इतना काफ़ी होता है आपके लिए। ठीक है, जितना आप समझेंगे। अब हम इसके बाद या तो अंतर्राष्ट्रीयवाद लेंगे या प्रजातांत्रिक समाजवाद, इन दोनों में से एक बड़ा प्रश्न आने की संभावना रहती है। नेहरू जी के जो विचार हैं, इन दो प्रमुख विचारों में से एक पर बड़ा प्रश्न आ सकता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको रिमाइंड कीजिए, कोशिश कीजिए, लगे रहिए, पीछे पड़ जाइए, काम होगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।